हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी महिला चालक सीमा ने इंटर स्टेट बस चलाकर इतिहास रच दिया है। सीमा ने शिमला से चंडीगढ़ रूट बस चलाई। वो प्रदेश की पहली ऐसी महिला बस चालक बन गई है जिसने एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए बतौर महिला चालक बस चलाई है। सीमा ने शिमला चंडीगढ़ रूट पर बस चलाकर ये साबित कर दिया कि आज के दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। सीमा ठाकुर ने कहा कि बस चलाना उनका शौक है। उन्होंने शिमला चंडीगढ़ रूट पर बस चलाई है, ये उनके लिए खास अनुभव है। सीमा ने कहा कि उनका शौक वोल्वो बस चलाना है और जल्द ही शिमला दिल्ली रूट पर बस चलाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर आपके मन में अपने लक्ष्य के प्रति सच्ची लगन है तो आपको कोई भी लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकता। बता दें कि सीमा सोलन के अर्की की रहने वाली हैं। उनके पिता भी एचआरटीसी में ड्राइवर थे, तभी से सीमा के मन में ड्राइवर बनने का शौक जागा और उन्होंने अपने शौक को जुनून में बदल दिया है। अभी गई दिल्ली है या चंडीगढ़ है, कहीं पे भी है, वो रॉन्ग साइड जाना है और राइट साइड बहुत कम है, तो वो जैसे रोडों पे चलना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि मैं 3 बार जा चुकी हूँ, लेकिन इस बार आप लोगों को पता लग गया 2 बार नहीं लगा है। वो सब सरप्राइज ही था, हर बार सरप्राइज ही था, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया। देखिए क्या लगता है, और मैं बोलती हूँ होंगे, क्योंकि बोलते ना सच बहुत देरी से आता है लेकिन आता जरूर है। मैं भी वही बोलती हूँ कि मेरा जो सपना है वो थोड़ा सा अभी अधूरा है, लेकिन आएगा, जरूर आएगा। मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा वॉल्वो के बैंगलोर, और इसके बाद मैं अब आपको दिल्ली मिलूंगी, शिमला टू दिल्ली, आप दिल्ली टू शिमला। ठीक है सीमा, जिस चले नहीं रहे लेकिन मेरे पिता है, मैं उनको उन्हीं के रूप में देखती हूँ, आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। वो मेरे पिता, मैं अपने पापा को उनके रूप में देखती हूँ। ठीक है, महिला खुद पे डिपेंड होगी, खुद पे, अगर आपको हिम्मत है तो आपको कोई भी निराश नहीं कर सकता, आप कुछ भी कर सकते हैं। सर, और मैं एचआरटीसी में बतौर सीनियर ऑडिटर हूँ, और ये लड़की जो है मेरी पत्नी बेटी है, दिख रहा है, मेरी जो भी सपोर्ट होती है मैं उसको करता हूँ और हौसला देता हूँ, लेकिन इसमें बहुत जज्बा है लड़की में और ये बहुत खुश है। इसको पहले से ही था, इसके पापा जो थे वो मेरे बड़े बेस्ट फ्रेंड थे, इसके बाद ये लड़की का सपना था कि मैंने ड्राइवर बनना है और बनी, अब आज एचआरटीसी में नौकरी कर रही है और अच्छी ड्राइविंग। आपको क्या लगता है कि इसको ऐसे खुद ही जज्बा है और खुद शौक है सर, हालांकि ये पढ़ी लिखी है, एमए इंग्लिश है, बीएससी नर्सिंग है, इसके मम्मी बैंक में है और इसके पापा भी एचआरटीसी में थे, लेकिन वो हमारे बड़े दोस्त भी थे। आपको बाप के हमारे भी इसको अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता हूँ। तो क्या जो हाँ जी हाँ जी, इसको बहुत शौक था सर, हालांकि इसके मम्मी कहते हैं कि मैंने बीएससी नर्सिंग कराई है तो मैं तो नर्सिंग देखना चाहती हूँ, लेकिन इसको शौक है और ये आने वाले समय में एचआरटीसी की ऑफिसर हो सर। आप ये सिंगल मतलब 100 पोस्ट है हमारे पास ना जी, मेरे ख्याल से एचआरटीसी में तो अभी ये एक ही लड़की है अभी फिलहाल, बाकी शायद और भी आए इसको देख के, तो अच्छी बात है सर, किसी की बेटी है आगे जाए, अच्छी बात है। सर सीमा, मैं संदेश देता हूँ कि जो उनका शौक हो, जो उनके अंदर जज्बा हो, उसको वो पूरा करें। लड़कियां एक ड्राइवरी थोड़ी है, लड़कियां तो सारा पायलट है, मिलिट्री में बड़ी बड़ी ऑफिसर है, ऐसा नहीं, लड़कियां तो हर जगह है। अच्छे तरीके से ड्राइव किया गाड़ी, चंडीगढ़ डिजिटल से, और चंडीगढ़ से भी काउंटर टाइम जो अपना टाइम बनता था उसके मुताबिक बहुत बड़ी चंडीगढ़ में पहुंची, कभी कुछ ऐसा वेटर नहीं था। मैंने उनके हाथ पहले भी ड्यूटी की है लगभग 4 साल से, पहले भी मैं सोलन उनके हाथ कंटिन्यू चला उनके साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सवारी पर नहीं लगा सर, नॉर्मल जैसे भी खूबी चालक जैसे आपने काफी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लिए थोड़ा दिक्कत होती है लेकिन मुझे उनका हौसले बुलंद है, जिससे होता ही है, लेकिन ऐसा कोई नहीं देखने में आया, बहुत ही अच्छी ड्राइविंग थी चंडीगढ़ में भी। तो जिस तरह से यहाँ पे लोग एक देख रहे हैं कि आप चंडी के लिए, और चंडीगढ़ बस स्टैंड थे या कोई भी पैसेंजर वगैरह बड़े ध्यान से गौर से देख रहे थे, मुझे भी बुला रहे थे कि कौन है चालक है, पर चालक है बद्दी में है, मुझे बताया कि हमारे प्रथम मेरा चालक है। नाम क्या है आपका? पीएलटीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।